आप सुन लेको, मैं दोस्तों को पांच चैनल भाई नुमा के साथ लेकर कहते हैं। आज हम हैरी फ्रंट पर बात करने जा रहे हैं। हैरी फ्रंट का ये पॉइंट है, मेरे पास देख लें, बड़े पत्तों वाला हैरी फ्रंट है, देख लें। ये टोटल 4 इंच के पोर्ट में लगा हुआ है। इसका आप जेड देख लें, ये देखें आप जेड इसका। ये छोटे पत्ते थे पहले इसके, अब देखें इसके बड़े पत्ते। यहाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, देखें छोटे पत्ते पहले निकले हैं, अब बड़े निकलने शुरू हो गए। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट शो करता हूँ, वही 4 इंच पर लगा हुआ है। ये देखें, ये देखें, इसके पहले लीफ छोटे थे, अब लीफ देखें कितना कितना बड़ा। देखिए मेरे हाथ से बड़े लीफ हैं, देख लें इसके। इसको एक पोर्ट मैंने 4 इंच का दिया हुआ, देख लें। एक और पौधा मैं आपको बताता हूँ किसको मैंने 4 इंच का पोर्ट दिया हुआ है। ये देखें इसका टंग, देखें मोटा हो चुका है, बाकी टंग अभी छोटे हैं। क्यों? अभी इनको मैंने शिप की हुई, मुझे कम से कम 1 माह हुआ है, 1 माह से ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इसे शिप की हुई मुझे साल हो, साल से ज़्यादा ज़्यादा होने वाला है। ये देखें इसके लीफ मेरे हाथ से 2 गुना बड़े हैं, 2 गुना 3 गुना, कुछ पत्ते 3 गुना हैं, कुछ 2 गुना, ये 3 गुना है, वो 3 गुना बड़े हैं। काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं, ये देख लें, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हैं, देख लें। हैरी फ्रंट पॉइंट आप छोटे सारे पोर्ट के अंदर लगा कर उसके लीफ काफ़ी बड़े कर सकते हैं। उसे पोर्ट ज़्यादा बड़ा दे देंगे तो ज़्यादा बड़े लीफ हो जाएंगे। मेरे पास इसका मटर पॉइंट भी है, मैं आपको ही शो कर दूंगा। देखें इनको सनलाइट में ना रखें, इनको आप छांव में रखें, कहाँ सनलाइट नहीं आती ना आए, लेकिन इनको सनलाइट में आपने रख दिया तो ये आपके पास बचेंगे नहीं गर्मी में। ये बात याद रखिए, गर्मी में आपने इनको सनलाइट में नहीं रखना, सर्दियों में आप सनलाइट में रख सकते हैं इनको, ये बात याद रखिएगा। इनमें फूल भी लगते हैं, बीज भी बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। इनमें पंप भी लगते हैं, पंप निकलते भी हैं बच्चे, ये बल्ब के साथ ये अपनी गोद पाते हैं, ये इनके नीचे बल्ब होता है उससे इनकी गोद बढ़ती है, ये बात याद रखिएगा। मेरे चैनल में वीडियो जरूर है, मैंने आपको उसमें आपको उसके फूल भी शो किया हुआ है और साथ साथ उसके बीज भी शो किए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। देखें फ्रेश पत्ते हैं इसके, फ्रेश लीफ हैं। इसको सनलाइट आपने कमल नहीं, इसको देनी नहीं है आपने सनलाइट, संभल लें। आपने कुछ एरिया दे, ऐसा एरिया देना है कहाँ पर धूप आती ना हो, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत देर चलेगा आपके पास, ये जल्दी ख़त्म होने वाला पौधा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मेरे पास पौधा ऐसा जूद है कि इसको कम से कम मेरे पास 8 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। मैं आपको वही शो करता हूँ, साथ आप देखना। मेरे पास के पास छोटे पत्तों वाली वैरायटी भी है, बड़े पत्तों वाली भी है। मैं आपको बड़े पत्ते अभी शो कर रहा हूँ, इसके बाद मैं छोटे पत्तों वाली वैरायटी भी आपको शो करता हूँ, साथ इनके मदर प्लांट भी शो करता हूँ। चलें अब मदर प्लांट देखने चलते हैं। ये देख लीजिए हमारा मदर प्लांट है हैरी फ्रंट का, इसके लीफ काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसके लीफ बहुत बड़े हैं। मैं आपको उसका टंग शो करता हूँ, आप इसका टंग देख लें, ये देखें, ये देखें, देख लें। और ये साथ छोटे पत्तों वाला पड़ा हुआ है, देख लें उसका टंग, आप देख लें उसका टंग, देख लें। उसके बाद ये इसके ये पंप इसका निकला था, इसका टंग देख लें और इसके बड़े का टंग देख लें। देखिए ये आपको पता चल चुका होगा कितना बड़ा ये पौधा है। टंग एटम आपको ये एक चीज़ शो कर देता हूँ, ये देखें ये सब फूल लगते हैं, उसकी फलियाँ, इसमें इसके बीज बनते हैं। ये खुल चुकी हुई हैं कि उसके बीज मैं सेव कर चुका हूँ, एटम इसमें बीज नहीं है, लेकिन तब इसके में बीज होते हैं। ये इसका एक और पंप निकला, देखें छोटा छोटा। चले आपको मैं लीव्स का शो कर देता हूँ। चले हम अपनी वीडियो को वापस चलते हैं। देखिए हम वीडियो की तरफ वापस आ चुके हैं, अब हम आपको इनकी गोद के बारे में सब कुछ आपको बता चुके हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नवी वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।